दलित महिलाएं और बच्चे डूबकर मर गए, पप्पू यादव। पूर्णिया में निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने कहा, डीएसपी अभिजीत सिंह ने आकर मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे मानसिक यातना देकर मारने की कोशिश हो रही है। दलित महिलाएं और बच्चे डूबकर मर गए, मैं वहीं जा रहा था। दो दिन पहले यहां राजा साहब आए थे, उन्होंने मुझे मरवाने की साजिश रची। जहाज पर किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, रणधीर जायसवाल। ईरान द्वारा जब्त किए गए जहाज पर चालक दल के 16 भारतीय सदस्य पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, एक लड़की जो वहां थी वापस आ गई है। हमने इन 16 लोगों के लिए काउंसलर एक्सेस मांगा था और हमें वह मिला और हमारे अधिकारियों ने उनसे मुलाकात भी की। उनका स्वास्थ्य अच्छा है और जहाज पर किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। साइकिल पहले ही पंचर हो गई, केशव प्रसाद मौर्य। कन्नौज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नामांकन पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सुब्रत पाठक रिकॉर्ड मतों से कन्नौज लोकसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं, कमल का फूल खिलने जा रहा है। साइकिल पहले ही पंचर हो गई है, अखिलेश यादव को हराने का मजा अब आएगा। अखिलेश यादव ना आते तब भी समाजवादी पार्टी हारती, लेकिन वो मजा नहीं आता जो मजा यहाँ का कार्यकर्ता चाहता था। कन्नौज के इतिहास के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। मैं पिछले 15 सालों से इस निर्वाचन क्षेत्र में हूँ, सुप्रिया सुले। महाराष्ट्र में बारामती में एनसीपी एससीपी उम्मीदवार सुप्रिया सुले ने कहा, मैं पिछले 15 सालों से इस निर्वाचन क्षेत्र में हूँ, मेरा ज्यादातर समय यही बीतता है, सभी के साथ मेरे पारिवारिक संबंध है, यह निर्वाचन क्षेत्र मेरे परिवार का हिस्सा है। मैंने अपने पति और बच्चों के साथ जितना समय नहीं बिताया उतना इन लोगों के साथ बिताया है। हमने अपने सभी वादे पूरे किए, हमारा घोषणा पत्र सकारात्मक और समावेशी है, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, अभी चुनाव चल रहे हैं। मिसा भारती। बिहार में जेडीयू नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या किए जाने पर आरजेडी नेता मिसा भारती ने कहा, इस तरह की घटना बहुत दुखद है और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, अभी चुनाव भी चल रहे हैं और इस समय इस तरह की घटना का होना अच्छी बात नहीं है। एक तरफ कहा जाता है कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत दुरुस्त है, और दूसरी ओर इस तरह की घटना घटी जा रही है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री इस घटना को बहुत ही गंभीरता से ले रहे होंगे।